21 ईदी की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। मोहतरमा बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुआ की जा रही है। मोहतरमा बिल्किस ईदी जिनका इंतकाल हो गया था कल शाम हरकत कल्ब बंद होने के बायस, और बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहां पर मौजूद हैं, जबकि उलमा कराम ने भी शिरकत की है और सियासी रहनुमाओं ने भी इस अहम मौके पर वो मौजूद हैं, शरीक हैं नमाज जनाजा में और मौजूद हैं। और सीएम सिन मुराद अली शाह भी मौजूद हैं, सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत है बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा में। हर आंख सोगवार है और हर दिल गम से भरा हुआ है। बिल्किस ईदी और अब्दुस्सत्तार ईदी साहब के खिदमात का नेमुल बदल नहीं है और इंसानियत के खिदमत के अलमबरदार ये हजरात जो कि जिन्होंने इंसानियत के खिदमत की, बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। और इसमें हर तबका है ज़िंदगी से जो लोग थे उन्होंने शिरकत की और उनके लिए दुआ की। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोहतरमा बिल्किस ईदी जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई है और इसमें सीएम सिन मुराद अली शाह और दीगर सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, जबकि ज़िंदगी के हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर जो अफराद थे उन्होंने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। माहौल सोगवार है, तवील अरसे से अलील थी मोहतरमा बिल्किस ईदी और रमज़ान से कुछ दिन पहले उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अब उनकी कल उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर सलीम बताएगा, मोहतरमा बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा लॉस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फीमेल सोशल वर्कर अब्दुस्सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी साहिबा की जो नमाज जनाजा है वो मिमन मस्जिद से मुतसिल सड़क पे जो है वो अदा कर दी गई है। हम आपको बताया चलें कि हुकूमत सिंध की जानिब से इस इनकी नमाज जनाजा को जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया है। यासिर बताइएगा, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है? बताया कि नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है मस्जिद पे। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। नमाज जनाजा बिल्किस ईदी साहिबा की जो है वो अदा कर दी गई है और मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से जो है वो लोग के गुलदस्ते जो है वो अभी पेश किए यहाँ पे पहुंचाए गए हैं। बड़ी तादाद में रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है। मैं आप फिर बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो सरकारी अदालत के तहत जो है वो इनकी नमाज जनाजा अदा की गई है और सरकारी प्रोटोकॉल पूरा जो है वो दिया गया है। पुलिस के जो दस्ता है उन्होंने जो है वो सलामी पेश की है। वज़ीर आला सिंध, आई जी सिंध, अस्करी हुकाम, रेंजर्स और पुलिस के हुकाम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और अब ये बताया जाता है कि जहाँ से अब से कुछ देर के बाद जो है वो बिल्किस ईदी साहिबा को मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम आपको बताए चलें कि अब से कुछ देर पहले जो है वो इनके जस्ते खाकी जो है वो इनके घर पे मौजूद था और घरों पे जो हजारों की तादाद में बिल्किस ईदी ने जिनकी किफालत की थी वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे और उनके चाहने वाले खासतौर पर वो बच्चियाँ और खासतौर पर वो लोग जिन्होंने इनके लिए जो है वो काम किया था और जिन्होंने इनके साथ साथ जो है वो इन्होंने जिनके लिए काम किया, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो कि जिनको कोई छोड़ के चला जाता था या कहीं पे भी उनको ऐसी जो है वो डिसओन कर देते थे, अभी जो है वो बड़े दिक्कत आमेज मनाजिर जो है वो देखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है।